IBA Grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum, this is Vakas from IBA Grads. आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके साथ इस बात को शेयर करना है कि what is the difference between ECAT maths and A-levels maths. A-levels maths में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पास ECAT में मौजूद नहीं है और आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करते वक्त इस बात में मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ तो अब इसके MCQs हमें किस तरह से हमारे पास पेपर में आएंगे, क्योंकि मैंने अपने 6 साल के कैरियर में ये देखा है कि जो बच्चा ए लेवल से ECAT में ECAT की तैयारी के लिए आता है हमारे पास, उसको इस बात में बहुत मुश्किल होती है कि ये चैप्टर सर मैंने नहीं पढ़ा हुआ और इसमें ये टॉपिक भी मैंने नहीं पढ़े हुए, तो मैं इसको किस तरह से कवर करूँगा. तो इस वीडियो में हम इस बात को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई ECAT क्यों ज़रूरी है आपके पास, ECAT में क्यों एडमिशन लेना जल्दी ज़रूरी है, ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सकें, कवर कर सकें इस लिहाज से कि आपकी ECAT की तैयारी बहुत अच्छी और आप अच्छी अपनी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में जा सकें. तो नाउ ये हमारे पास ECAT और A लेवल्स का कोर्स है जिसको मैंने कंपैरिजन के लिए आपके सामने रखा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो 3 टॉपिक आपके पास लिखे हुए हैं, लिमिट, कॉनिक सेक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तीनों यहाँ पर ए लेवल्स में मौजूद नहीं है. मतलब ये 3 चैप्टर्स हैं अपने आप में जो कि ए लेवल्स का पार्ट नहीं होते और एंट्री टेस्ट के अंदर इससे क्वेश्चन लाजमी बन रहा होता है. तो आगे हम इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई सब टॉपिक कौन से हैं. अलजबरा अगर हमने पढ़ा है तो उस अलजबरा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हमने नहीं पढ़ी लेकिन हमारे पास टेस्ट में लाजमी ये इंक्लूड होता है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं. देन अलजबरा के अंदर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं सिंध बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन ये ए लेवल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है. देन आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दूसरा टॉपिक होता है सब टॉपिक जो कि आपके पास ए लेवल्स में इंक्लूड नहीं है लेकिन सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. तो इनसे कुल मिला के 4 to 5 क्वेश्चन इन NUST एंड 2 to 3 क्वेश्चन इन NET एंड 2 to 3 क्वेश्चन इन FAST आर इंक्लूडेड. देन आपके पास सेकेंड चैप्टर है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस आपके पास ओ लेवल्स में मौजूद है लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो 3x3 नहीं होता बल्कि 2x2 होता है. तो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर भी हम देखते हैं, 4x4 ऑर्डर भी देखते हैं. इसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस वहाँ पर डिटेल में हम नहीं पढ़ते लेकिन आपके पास NUST में से 4 to 5 क्वेश्चन इन NUST एंड NET के अंदर 1 से 2 सवाल लाजमी बन रहा होता है. इसके अलावा FAST में भी ये टॉपिक हमारे पास इंक्लूड होता है, PIAS में भी हमारे पास इससे 1-2 MCQs बनते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट भी हमारे पास ऑर्डर 3x3 में मौजूद है, 2x2 में इसका कंटेंट हमारे पास वो लेवल्स में मौजूद होता है लेकिन 3x3 का डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना सिखाया नहीं जाता लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसमें लाजमी से क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे होते हैं. इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये भी हमारे पास मौजूद होता है. NUST में डिटर्मिनेंट से भी 2 to 3 क्वेश्चन हमारे पास बन रहे होते हैं. इसके अलावा NET में 1 क्वेश्चन लाजमी इससे बनता है इनवर्स का, जो कि हमारे पास हमारे सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के कॉन्टेंट में मौजूद है लेकिन ए लेवल्स में ये मौजूद नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप्स, जैसा पीछे भी मैंने आपसे जिक्र किया पिछली स्लाइड में कि ग्रुप्स का तो हमारे पास चैप्टर ही इंक्लूडेड नहीं होता, तो हमारे पास ग्रुप से भी 1 से 2 सवाल हमारे पास लाजमी बनते हैं. ए लेवल्स में ये टॉपिक पूरा चैप्टर इंक्लूड नहीं है लेकिन NUST के अंदर, NET के अंदर इससे 1-1 सवाल लाजमी बन रहा होता है. देन नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज. ए लेवल्स में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है लेकिन इसमें एक टाइप मिसिंग है जो कि हमारे पास ए लेवल्स में मौजूद नहीं है, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और NUST के अंदर इससे 2 to 3 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, NET में भी इससे 1 से 2 सवाल बन जाते हैं, इसके अलावा FAST में भी इससे सवाल बनते हैं, इसके अलावा JIK में भी इससे सवाल बनते हैं और इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रॉपर्टीज इसको भी वहां पर डिस्कस नहीं किया जाता लेकिन यहाँ पे इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट. लिमिट जो है वो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होता है लेवल्स में लेकिन जितने भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम के अंदर लिमिट का टॉपिक हमारे पास इंक्लूड होता है और हर यूनिवर्सिटी इसमें से सवालात देती है. जैसे NUST इससे कम से कम 3 सवाल देगा, NET इससे 1 से 2 सवाल देता है, FAST इससे 2 से 3 सवाल देगा, PIAS इसमें 1 से 2 सवाल देगा. तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ECAT लेकिन ए लेवल्स के अंदर इस चैप्टर को ही इंक्लूड नहीं किया गया. एंड डिफ्रेंसिएशन, बच्चा डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल ए लेवल्स में पढ़ता है लेकिन वो एक फेडरल बोर्ड का टॉपिक है मैक्लॉरिन सीरीज जो कि NUST के टेस्ट में आता है और इससे 1 से 2 आपके पास सवालात बनते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होते.
इसके अलावा इनवर्स फंक्शन, ये नस्ट और एनईडी दोनों में आ रहा होता है और इससे भी एक से दो एमसीक्यू बनते हैं। इसके अलावा जीआईके के अंदर भी इससे एक से दो एमसीक्यू हमारे पास बन जाता है। देन आपके पास है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन एलेवस और ये कॉनिक सेक्शन अपने आप में ये चार चैप्टर्स हैं, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये चार के चार चैप्टर आपके पास एलेवस में इंक्लूडेड नहीं होते। नस के अतबार से 10-12 मार्क का सेक्शन इससे बनता है। इसके अलावा एनईडी में भी इससे एक से दो सवाल, जीआईके में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्यास में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये वो वाइड टॉपिक है जो हर यूनिवर्सिटी आपके पास कवर कर रही होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन A-levels, बट नस के टेस्ट में इससे 3-4 क्वेश्चन हमारे पास बन रहे होते हैं। फेडरल बोर्ड के जितने भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी फेडरल बोर्ड के पैटर्न पर टेस्ट लेती है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग से लाजमी सवालात को इंक्लूड करती है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम A-levels में बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन इसके कुछ सब टॉपिक है, दैट इज द पेयर ऑफ लाइन एंड फॉर्म्स ऑफ लाइन, दे आर मिसिंग इन A-levels। तो इससे भी हमारे पास इंटर बोर्ड और फेडरल बोर्ड में ये इंक्लूडेड है, लेकिन इससे ECAT में लाजमी इससे MCQs हमारे पास 2-3 मार्क्स के बन रहे होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ ये था कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चले कि भाई ECAT हम क्यों करें और जल्दी क्यों करें और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें इसमें टाइम चाहिए होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक, जो चैप्टर्स हमारे पास नहीं है, उनको पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे पास ये चैप्टर ही हमारे पास पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम इसके एमसीक्यू को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में ये बात समझ में आई होगी कि मतलब क्यों हम ECAT को जल्दी करें और जल्दी इसमें प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ए लेवल्स के कोर्स में नहीं है, लेकिन ECAT के कोर्स में हमारे पास मौजूद है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।